इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के दिग्विजय अपार्टमेंट की रहने वाली अनीता चौहान की लाश मल्टी के बाहर ही पड़ी हुई थी। इसकी शिकायत पड़ोसियों ने पुलिस से की थी। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि मृतिका के पति बलिराम मोची ने महिला की हत्या की है। दरअसल अनीता चौहान की ये दूसरी शादी थी और उसका पति आरोपी बलिराम उसके चरित्र शंका और रुपये के लेन देन को लेकर आए दिन उससे मारपीट करता था। 19 तारीख की रात को भी उसके साथ उसका झगड़ा हुआ और उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। महिला के शव को वहीं घर में बंद कर आरोपी वहां से भाग गया था और 6 घंटे बाद लौटकर उसके शव को घसीट कर बाहर लाया और बाहर पटक कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। 7 बजे सुमित नाम का एक व्यक्ति जो कि थाने पर आया था और उसने बताया कि अनीता नाम की एक महिला दिग्विजय सिंह मल्टी पर पड़ी हुई है और उस पर कुछ इस प्रकार की आशंका है कि वो हत्या है कि आत्महत्या। थाना प्रभारी द्वारकापुरी वहाँ पे मौके पे गए अपने बल के साथ में और उसकी तस्दीक करना चालू करी तो इसमें 6 घंटे में इस हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें पाया गया है कि मृतिका का ये जो पति है उसने उसके द्वारा ही इसको मारा गया है। और मृतिका के 2 पति थे, पहला पति से उसके 4 बच्चे थे और दूसरे पति से उसके 2 बच्चे थे और पति जो कि ऑटो चलाता है इसका, इसके पति का नाम है बलराम मोची और ये इसका जो इस प्रकार से इसने हत्या करी है। कल इनमें झगड़ा हुआ है लगभग 11 बजे और बलराम ने उसके बच्चों को, दोनों बच्चों को जो स्कूल जाते थे स्कूल छोड़ा और मल्टी में आए और उसमें वाद विवाद करा और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है और कल 1 बजे के उसने ताला लगा के वो घर से चला गया था।